खरगोन जिले के कसरावत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 लाख के कृषि उपकरण सहित चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्राली और कृषि उपकरणों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा कसरावत थाने में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उक्त जानकारी दी गई। खरगोन जिले कसरावत तहसील में पिछले कुछ महीनों में कसरावत थाना क्षेत्र में कृषि उपकरण और ट्रैक्टर ट्राली की चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र चौहान ने अज्ञात आरोपियों की पतासी हेतु निर्देश दिए थे, जिसको लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र पवार और मंडलेश्वर SDOP मानसी ठाकुर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कसरावत माधव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस थाना कसरावत की एक टीम तैयार की जाकर अज्ञात आरोपियों की छानबीन में लग गई, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति चुराई गई ट्राली लेकर कच्चे रास्ते से मेड़ा फाटे पर आने वाले हैं। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी कसरावत के नेतृत्व में आरोपियों को धर पकड़कर टीम को तत्काल मुखबिर द्वारा बताया गया स्थान पर भेजा गया, जहां पहुंचकर देखा तो दो व्यक्ति कच्चे रास्ते से मेड़ा फाटे पर ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाते हुए दिखाई दिए, जिनकी घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। ये किसी उपकरण के प्रदर्शन में नहीं हूँ मैं, जब कसरावत थाना प्रांगण में हूँ, जहाँ कसरावत पुलिस ने कृषि उपकरण चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। लगभग 10 लाख रुपए की कृषि उपकरणों की जो चोरी है उसका मामला कसरावत पुलिस ने हल किया है और पर्दाफाश किया और लगभग सभी चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सारे उपकरण चोरी किए हैं। एक तो इस क्षेत्र में बारिश की कमी से किसान वैसे ही काफी परेशान थे और ऊपर से चोरी ने उनकी कमर तोड़ रखी थी, लेकिन इस चोरी से निश्चित ही उनको काफी राहत मिलेगी। अखिल खान, SDOP न्यूज़। सर, अल्प वर्षा से किसान वैसे ही परेशान है, ऊपर से जो चोरियाँ और उनका दर्द काफी बढ़ा दिया था, ऐसे में पुलिस ने सफलता पाई है। कुछ खुलासा करेंगे किस तरीके से और कैसे पकड़ पाए? देखिए, जैसा आप लोगों ने भी बताया, पिछले कुछ समय से जो किसानों के सामान की चोरी हो रही थी उसके संबंध में जो फरियादी थे, जब उन्होंने आके पुलिस में संपर्क किया और पुलिस को सूचना दी कि उनके यहाँ पे चोरी हुई है, उनकी ट्रॉलियाँ वगैरह ये सब, उनका जो सामान है खेती का वो चोरी हुआ, तो इसके संबंध में जो हमारे थाना प्रभारी हैं कसरावत, वो हमारे SDOP साहब मंडलेश्वर के, उनकी पूरी टीम इस मामले में जुटी। कहीं भी हम लोगों के पास पूरी घटना के संबंध में कोई क्यू नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहे पतारसी करने में, और इसी के चलते हम लोगों को जो हम लोगों ने प्रयास किया, तो हम लोगों को कहीं से जानकारी प्राप्त हुई उस विषय में, उस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो इस घटनाओं को अंजाम देने वाला मेन आरोपी था, जो इसका पूरा मास्टरमाइंड है हमारा हेमराज पिता राधेश्याम यादव, आपका टिगरियाओं का रहने वाला है, ये इसको पुलिस ने एक जगह से इंटरसेप्ट किया। वहाँ पे जिस जो ये ट्रैक्टर से जा रहा था वहाँ इसको पुलिस ने इंटरसेप्ट करके ये इससे पूछताछ की। इसका जो साथी रहा देवा पिता जाफरिया, ये भी टिगरियाओं का रहने वाला था, इनसे जब पुलिस ने उसके संबंध में पूछताछ की, इसका ये सही से संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, फिर हिकमत अमली से पूछने पर इन्होंने जो घटनाएं हैं उनको करना कबूल किया, और उसके आधार पर इन्होंने जो उस घटना एवं पूर्व की घटनाओं से संबंधित जो इनका सामान था वो किस प्रकार से चोरी किया और कहाँ उसको खपाया, उसके आधार पर फिर हमने उस केस की जो चोरी की गई संपत्ति की मशरूका था उसको अलग अलग जगह से बरामद किया। इसमें इनके दो साथी जो जहाँ ये विशेष तौर पर ट्रॉलियों को ले जाके रंग बदल के बेचने का काम करते थे, बड़वा के अकरम पिता अब्दुल नबी खान व सोनू पिता शंभू प्रजापति, इनको भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया। तो इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने करीब जो मशरूका है चोरी किया गया 5 लाख रुपए का मशरूका, और उसके साथ 5 लाख रुपए का जो इनका ट्रैक्टर जो इस पूरी घटना में प्रयोग किया था, टोटल 10 लाख का मशरूका पुलिस ने जब्त किया है। और इसमें हमारे कुल 5 अपराध जो हैं अलग अलग थानों में जो पंजीबद्ध हुए थे उसके संबंधित ये मशरूका उससे संबंधित है, और इसमें हमारी जो पूरी टीम है SDOP साहब के साथ थाना प्रभारी और उनके पूरे थाने की जो बल है उसने जो अच्छा कार्य किया है उसके लिए हमारी तरफ से इसमें इनको इनाम के लिए बताया गया है। सर, इस क्षेत्र से मोटर चोरी की भी काफ़ी घटनाएं आ रही थी, क्या इस तरीके का कोई मामला भी सामने आया? मोटर चोरी के संबंध में सभी जगह हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खेती किसानी या इससे संबंधित, क्योंकि हमारा जो अधिकांश क्षेत्र है वो इसी प्रकार का है जो खेती किसानी से संबंधित है, और ये समस्याएं जो हैं इस प्रकार की किसानों के लिए उनके लिए दोहरी मार साबित होती हैं, तो हमारा जो प्रायोरिटी है उनमें से एक हमारे ज़िले में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं इस प्रकार की जो पुलिस से रिलेटेड हैं उनका हम
तुरंत जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई करें, उसको खोज निकालें और ऐसे अपराधियों पे सख्त कार्रवाई करते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हों, इसका हम सभी प्रयास करते हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग अभी भी लगे हुए हैं और ऐसी जो घटनाएं हाल में हुई हैं उनका पता लगाने में और आने वाले समय में उसमें भी हम लोग सफलता हासिल करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।